कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 11 है और आज आपने देख ही लिया सुबह 4:30 बजे, मतलब 4 बजे से बारिश हो रही है। और से हाय टू दिस 3 पीपल, ये बिल्कुल लाइन में आए हैं। और अभी गर्मी से लगी है थोड़ी, दुकान में झाड़ू वाड़ू लगाई है, सामान सेट किया है और अब हम पीएंगे अपनी ड्रिंक जो नॉर्मल हो चुकी है क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नहीं पीनी है। एंड यस, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी कल वेट मशीन आ गई है और मैंने अपना वेट तोल लिया है। सो मैं जो गलत फहमी में थी कि मेरा वेट 95 kgs होगा, मतलब वो ज़्यादा ही था 10 दिन पहले। और आज हमारा 11 डे है तो आज हमने तोला है, वो मैं वेट की वीडियो डाल दूँगी इसके बाद। और अब हम रोज़ तोलेंगे कि कितना कम हो रहा है क्योंकि अब तो आ गई है। और इस वेट मशीन के साथ एक एप्लीकेशन भी आता है, मतलब ब्लूटूथ वाला है, सॉरी मुझे बहुत पसीना आ रहा था, ब्लूटूथ वाला है, तो वो बॉडी वेट बॉडी मास सब दिखाता है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और आज डे 11 है, मेरा वेट इतना है, हम अब से रोज तोलेंगे टिल 6 मंथ्स तक और बिल्कुल चीट नहीं करेंगे। बट मेरे ख्याल से मेरा डे 1 में ज़्यादा था और अभी जितना निकला है मैंने इतना तो अपना पहले सोचा था, अभी मैंने सोचा था 94-93 हो गया होगा, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अब वेट इतना है कोई गलत नहीं बोलेगा भाई, ठीक है। अब हमारा है तो है, अब हम इसको कम करेंगे और राखी पे भी कुछ जंक नहीं खाएंगे और जहाँ तक हो सका, क्योंकि मामा मामी खिला ही देते हैं। और लेट्स सी, हमें 6 महीने में 60 किलो तक होना है, अभी हमारा वेट इतना है। ये है मेरा डे 1 का वेट, ये न्यू मशीन आई थी तब मैंने तोला था, थोड़ी भ्रम में थी वो टूट गया था। और फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बेसन का चीला खाया था एक, अगर आपके पास ग्रीन चटनी है उसके साथ खा सकते हो, वरना रेड सॉस तो आपको यूज़ करनी ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को बारिश में बैठ के खाने का मन है, मतलब भीगने का तो नहीं, बारिश देखते हुए। बाल देखो, मैं अभी काम करके हटी हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट बना रही थी, मुझे आज बस ऐसे ही मन कर रहा है इसलिए मैं इंजॉय कर रही हूँ। विदाउट सॉस खाना है, ग्रीन चटनी है नहीं और अभी बारिश हो रही है, कौन लेने जाए धनिया मिर्ची, इसलिए पकौड़े तो खा नहीं सकते, इसी को पकौड़े समझ के खा लेते हैं। ओके, सो ब्रेकफास्ट करने के 1.5 घंटे बाद में पापा के काम से कहीं गई थी तो उस वजह से मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं हुआ, मैं इतने कदम चली थी। और फिर मैंने आके फटाफट लंच बनाया, उसमें चना का सैलेड था, चना मैं भिगो के चली गई थी, उबाल मम्मा ने दिया था। एंड ये मैंने चने का सैलेड बनाया था खूब सारी वेजीज के साथ और मेरे को खूब पसीना आ गया था चलने के बाद, बालों भी थोड़ी गीले हो गए थे इसलिए मैंने खोल दिए थे, क्योंकि गीले बाल बांध के फिर प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, इसलिए मैंने बाल खोला हुआ था। कोई बोलेगा नहीं बाल खोल के खाना नहीं खाते, बाल गिर जाते फलाना टमकाना बोलते हैं। फिर मैं इवनिंग में चाय लेनी थी वो मैंने नहीं ली, और फिर डिनर में पनीर था रोस्ट करके, तो मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे बिना नमक के और उसको खाया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना नमक के पनीर को अंदर ले जाना बहुत टास्क था मेरे लिए, एंड बट मुझे खाना था तो मैंने खाया, इन्जॉय किया। एंड रात को बिना नमक का खाना है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं बिना नमक का ही खा पाऊँ। और रात को सोते टाइम ग्रीन टी थी और मेरे पास ग्रीन टी का 1-2 पाउच बचे थे, तो मैंने कहा उसको क्यों ख़राब करना, पी ही लेते। फिर मैंने उसको पी रात को ग्रीन टी, अभी मैं शायद दूसरी ग्रीन टी लेने वाली हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी होती है, मैंने 2-3 ग्रीन टी पड़ी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी। और मैं अपने पापा से कुछ बात कर रही थी। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, कीप सब्सक्राइब गाइस।